उदाहरण 10। एक व्यक्ति ने 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदी। यदि उसे इतने ही रुपयों में खरीदी हुई किताबों से 4 किताबें ज़्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। हल, माना कि खरीदी गई किताबों की संख्या 1x है। चूंकि x किताबों की कीमत बराबर 80 रुपये, इसीलिए 1 किताब की कीमत बराबर x का पक्षांतर करेंगे हम तो 80/x रुपए। यदि उसे 4 किताबें और मिली होती यदि उसे 4 किताबें और मिली होती तब किताबों की संख्या x धन 4 हो जाती। चूंकि x धन 4 किताबों की कीमत हमारे पास पुनः 80 रुपए है तो इसीलिए 1 किताब की कीमत बराबर 80/x^4 रुपये। प्रश्न के अनुसार 80/x^4 रुपए 80/x रुपए से 1 रुपए कम है। इसीलिए 80/x ऋण 1 बराबर 80/x^4 या 80/x 80/x^4 का हम पक्षांतर करेंगे तो ऋण 80/x^4 बराबर ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। आगे देखते हैं, हमारे पास था 80/x ऋण 80/x^4
चार बराबर एक, या 80 को हम अंश से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/x ऋण 1/x धन 4 कोष्टक बन बराबर 1, या 80 कोष्टक में x और x धन 4 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो x धन 4, और x धन 4 को जब हम x से भाग करेंगे तो x धन 4 को प्राप्त होगा, जिसे हम 1 से गुणा करेंगे तो x धन 4 ऋण x धन 4 को भाग करेंगे x धन 4 से तो हमें भागफल प्राप्त होगा x, और x को हम 1 से गुणा करेंगे तो ऋण x बराबर 1, या x धन x और ऋण x कट जाएगा तो 80 गुणा 4 बटा कोष्टक को खोलेंगे तो x की घात 2 धन 4x बराबर 1, या 80 को 4 से गुणा करेंगे तो 320 बराबर तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 धन 4x, या x की घात 2 धन 4x 320 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 320 बराबर 0, या हम ऋण 320 का गुणांक निकालेंगे और संभावित गुणनखंड देखेंगे तो हमें हम 4x को लिखेंगे x की घात 2, 4x को हम लिखेंगे धन 20x ऋण 16x ऋण 320 बराबर 0, या पहले दो पदों से उभयनिष्ठ x तो x धन 20, और अंतिम दो पदों से ऋण 16 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x धन 20 बराबर 0, या x धन 20 और दूसरे कोष्टक में x ऋण 16 बराबर 0, या x धन 20 बराबर 0, या x ऋण 16 बराबर 0, या x बराबर ऋण 20 जो कि संभव नहीं है, अग्रहाय, या x बराबर 16। अतः किताबों की संख्या बराबर 16 होगी, यह इस उदाहरण का हल है।